थी मेरी पहली टिप्स कि तवे को गर्म करिए, आधा कप इसमें विनेगर डालिए जो मैंने निकाल के रखा है गर्म तवे में, और खाने वाला सोडा डालकर आप इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी भी स्क्रबर से, इस वाले या इस वाले जो भी स्क्रबर आपको पसंद हो उससे रगड़ें, और किसी भी लिक्विड सोप से फिर इसे वॉश कर लें। हमारा तवा बिल्कुल चमकने लगेगा। हमारा तवा कितना अच्छा साफ हो गया है ये देखें, आगे से पीछे मैं आपको पूरी चारों तरफ से दिखा रही हूँ, कहीं भी कोई भी दाग आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इधर इधर इतने सारे हमारे इसमें कार्बन जमे हुए थे, सभी कार्बन हमारे नींबू और विनेगर से अलग हो गए हैं।